दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया को सरकारी रूप में रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया भी कहा जाता है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में सिचुएटेड है। इंडोनेशिया के साथ 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद है, जैसे कि सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और कुछ बोर्निया और न्यू गिनिया का कुछ हिस्सा भी इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड वाला देश है और क्षेत्रफल के हिसाब में दुनिया का 14वीं सबसे बड़ा देश है। आज के इस दौर में इंडोनेशिया में 28 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया के जनसंख्या के मामले में चौथे सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जावा, जिसमें पूरे देश का आधा पॉपुलेशन इसी आइलैंड में रहती है। इसके अलावा इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है और इस लिस्ट में, यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश के लिस्ट में टॉप नंबर पे आता है। पूरे इंडोनेशिया का टोटल एरिया 19,04,569 वर्ग किलोमीटर का है। इंडोनेशिया की करेंसी को इंडोनेशियन रुपया भी कहा जाता है। अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इसके 38 प्रोविंसेस हैं और जकार्ता इसकी राजधानी है। जकार्ता की टोटल पॉपुलेशन 1,06,00,000 है, जो पूरे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इंडोनेशिया में इतनी बड़ी और घना पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पर सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया में जितनी भी आइलैंड है, वो एक स्ट्रेटजिक जगह पर है, जहाँ ट्रेड के मामले में वो सबसे आगे था। इसी ट्रेड को लेकर उस समय बहुत से लोकल महाराजाओं ने दूसरे देशों के रीति रिवाज को अपनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे पूरे रीजन में हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा प्रचार हुआ और फैलता जा रहा था। बाद में अरब देशों से मुसलमानों ने पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम को तेज़ी से फैलाते हुए यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, और उस समय के लोग भी इतने ओपन थे कि उन्होंने इस्लाम को भी एडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। मगर जो लोग इस्लाम को एडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, उसे बाली आइलैंड में भेज दिया गया, और वहाँ पर आज भी आप देखोगे, वहाँ पर हिंदू आइडेंटिटी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। यानी कि बाली में 80% से भी ज़्यादा लोग हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। बाद में यूरोपियन पावर्स ट्रेड को मोनोपलाइज करने के लिए इस रीजन में कब्जा कर लेते हैं। टाइम बीतता जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडोनेशिया को भी आज़ादी मिलती है। उसके बाद इंडोनेशिया के हिस्ट्री में नेचुरल डिजास्टर, करप्शन, सेपरेटिज्म जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बाद में गणतंत्र लाया जाता है और कुछ दशकों में इंडोनेशिया में बड़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेशन देखने को मिलती है। आज नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का 16वीं सबसे बड़ा इकोनॉमी है। भारत और यूएसए के बाद में तीसरा सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडोनेशिया को ही माना जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया बहुत से मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहा है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WHO और G20। और इंडोनेशिया खुद ही नॉन अलाइन मूवमेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ईस्ट एशिया सुमित, D8 और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। देश का कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री फॉर मैरीटाइम एंड इन्वेस्टमेंट अफेयर्स कहता है कि इंडोनेशिया के पास 17,504 आइलैंड है, जिनमें 6,000 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। बहुत से बड़े वाला आइलैंड के लिस्ट में सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनिया टॉप में है। 4,848 मीटर की हाइट के साथ पुनकक जाया इंडोनेशिया का सबसे बड़ा पर्वत है और 1,145 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल के साथ लेक टोबा देश का सबसे बड़ा लेक है। इंडोनेशिया के पूरे रीजन में बहुत से ज्वालामुखी है और बार बार भूकंप आते रहने की वजह से इंडोनेशिया का ये रीजन बहुत ही अनस्टेबल है। इंडोनेशिया में 400 में से 130 ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय है। 1972 से 1991 के बीच में देश में 29 ज्वालामुखी का विस्फोटक हुआ था। ज्वालामुखी होने पर तो देश का कुछ वैसे नुकसान तो होता ही है, मगर
इस विस्फोटक के लावा की वजह से मिट्टी और भी फर्टाइल बनी रहती है। इसलिए आप देखोगे इसी मिट्टी की फर्टिलिटी की वजह से जावा और बाली जैसे आइलैंड में सबसे ज़्यादा और घनी आबादी रहती है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर इंडोनेशिया बहुत ही आगे है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की 17 मेगा डाइवर्स देशों में से इंडोनेशिया भी एक है। सुमात्रन टाइगर, राइनोसोरस, ओरंगुटन, एशियन एलिफेंट और लियोपार्ड जैसी जानवरों आपको यहाँ पर भारी संख्या में देखने को मिलेगी। अकेले ईस्टर्न इंडोनेशिया में 1650 प्रजाति का कोरल रीफ मछली पाई जाती है। देश का 49.1% जमीन जंगलों से भरा पड़ा है। इंडोनेशिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत से प्रॉब्लम देखा जा रहा है, जिसको सरकार सीरियसली नहीं ले रही। इलीगल जंगलों को काटना, मरीन रिसोर्सेस में ओवर एक्सप्लोइट करना और एयर पॉल्यूशन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2020 की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से इंडोनेशिया 180 देशों के लिस्ट में 116वीं नंबर पर रैंक कर रहा था। इंडोनेशिया का दुनिया का सबसे तेज डिफॉरेस्टेशन रेट है। आप इसी बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1950 में इस देश की टोटल लैंड में से 87% जमीन जंगलों से भरा हुआ था, जो 2020 में ये सिर्फ 49.1% ही रह गई है। इंडोनेशिया के पास मिक्स इकोनॉमी है, जिससे प्राइवेट और गवर्नमेंटल दोनों ही सेक्टर से योगदान मिला है। इंडोनेशिया नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया का 16वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी 1.41 trillion US dollars है और नॉमिनल पर कैपिटा इनकम 5108 US dollars है। 2018 की जीडीपी के अनुसार 43.4% जीडीपी सर्विस सेक्टर से, 39.7% इंडस्ट्री और 12.8% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती थी। 2020 में इंडोनेशिया ने टूरिज्म से 9.8 billion US dollars कमाया था, क्योंकि इस साल 1,54,00,000 विजिटर्स इंडोनेशिया आए थे। विजिटर्स में से टॉप 5 विजिटर चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान से आए थे। कल्चरल टूरिज्म के लिए बाली, टोराजा, बोरोबुदुर और प्रम्बनन मंदिर टूरिस्टों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और यहाँ के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को देखने के लिए भी लाखों लोग आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंडोनेशिया का बहुत सा हेरिटेज भी शामिल किया गया है, जैसे कि कोमोडो नेशनल पार्क, अवालुंटो कोल्ड माइन, बुनाकेन नेशनल पार्क, राजा अम्पत आइलैंड, जकार्ता, सेमारंग, गारुयुंग, उबुद और योग्यकर्ता। 2020 के सेंसस के अनुसार इंडोनेशिया का पॉपुलेशन 27,02,00,000 है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला आइलैंड इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है, जिसमें देश के 56% आबादी इसी आइलैंड में रहती है। 2017 की माने तो 54.7% आबादी शहरों में रहती है। देश का 80,00,000 लोग दूसरे देशों में रहती है। इंडोनेशिया इथनिकली बहुत डाइवर्स नेशन है, जिसमें 1300 अलग अलग इथनिसिटी के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी इथनिक ग्रुप है यहाँ का जावानीज, जो पूरे देश में 40.2% पॉपुलेशन कैरी करता है। इसके बाद में है 15.4% के साथ सुंडानीज, इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा इथनिक ग्रुप है। बाकी और बाटक, मुदरीज, बेटावी, मिनंकाबो, बुगीज, मलय और अन्य इथनिसिटी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन, जो मलय भाषा का एक वेरिएंट है। पूरे देश में 700 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और सबसे बड़ी मेजोरिटी में बोला जाने वाला भाषा है जावानीज, और ये योग्यकर्ता रीजन का एक को ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इंडोनेशिया के संविधान में रिलीजियस फ्रीडम का भी मेंशन किया गया है और यहाँ की सरकार 6 रिलीजन को ऑफिशियल रूप में रिकॉग्नाइज करती है, कि है इस्लाम, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और फ्यूशियनिज्म।
यहाँ के 23 करोड़ 10 लाख लोग यानी कि 86.7% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है इंडोनेशिया। और यहाँ 99% मुसलमान सुन्नी इस्लाम को मानते हैं और 1% मुसलमान शिया और अहमदिया इस्लाम के अंदर आते हैं, और 10% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं जो ईस्टर्न साइड में रहते हैं। और इनके नज़दीक देश जैसे कि पापुआ न्यू गुनिया और फिलीपींस जैसे देश क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी वाला देश है, तो बात है कि इनका इन्फ्लुएंस तो इन रीजन पे भी होता है। सो यहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी ज़्यादा है। बहुत से हिंदू इंडोनेशियन बाली आइलैंड में रहते हैं, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी वाला प्रोविंस भी है यहाँ का। इसके अलावा पूरे देश में 96% लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ की सरकार अपनी जीडीपी का 3.6% बजट एजुकेशन में खर्च करती है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक देश में सिर्फ अच्छा ही चीज़ ही आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी आपको डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे सोशल एरियाज़ में चाइनीज़ और पापुआ न्यू गुनिया के ओरिजिन लोगों पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म सदियों से हुआ आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें में तो ये एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट में भी देखा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में हमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी देखने को मिलेगी। जावानीज लोगों का बाटिक और केबाया इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाने वाला एक नेशनल कॉस्ट्यूम है। तो दोस्तों ये था इंडोनेशिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना भूलेगा। आपसे मिलूँगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज़ादी दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।